सपा से गठबंधन के जोश में संभल में प्रसपाई होश भूल गए। दर्जनों प्रसपाई नियम कानून और मर्यादा भूल गठबंधन की खुशी में हुटरों को बजाते हुए गंगा घाट पहुंचे, जहां जूते पहनकर ही गंगा की पूजा कर दी। आपको बता दें कि प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव की गुन्नौर विधानसभा सीट पर नजर है। मुलायम सिंह यादव भी गुन्नौर से विधायक रहे हैं। वहीं काफी समय से प्रसपाई शिवपाल के गुन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़ने का दावा करते रहे हैं। सपा प्रसपा के गठबंधन की खुशी में प्रसपा जिला अध्यक्ष कैप्टन सर्वेश यादव दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ गाड़ियों से हुटरों की चिल्पों करते हुए गंगा घाट पहुंचे, जहां जूते पहनकर ही प्रसपाइयों ने गंगा की पूजा की तथा प्रसाद चढ़ाया। हुटरों के सवाल पर प्रसपा जिला अध्यक्ष अनुशासन का पाठ पढ़ाने लगे। यही नहीं, उन्होंने शिवपाल यादव के गुन्नौर से चुनाव लड़ने की बात भी दोहराई। स्थानीय नेताओं तथा हुटरों पर प्रसपा जिला अध्यक्ष ने क्या कहा और कैसे जूतों समेत कर दी गंगा की पूजा, तस्वीरों में देखें पूरी रिपोर्ट को। अध्यक्ष जी, सपा प्रसपा का गठबंधन हुआ है जैसी हम लोग को सूचनाएं हैं। आज यहाँ गंगा घाट पे आके आप लोगों ने पूजन किया है, प्रसपा के आप जिला अध्यक्ष हैं, तमाम कार्यकर्ता साथ में, क्या है पूरा मामला जी? मामला ये है कि समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील पार्टी, ये दोनों एक ही पार्टी थी। पारिवारिक कोई असमंजस ऐसी पैदा हो गई थी जिससे कि अलग पार्टी बनाई गई। अब 2017 का जो चुनाव हुआ, 2019 का चुनाव हुआ, उसमें पारिवारिक विघटन होने की वजह से, गुटबंदी होने की वजह से पूरा परिवार संगठित नहीं था। इस वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है समाजवादी पार्टी का, और समाजवादी पार्टी का ही नुकसान नहीं, इससे उनके परिवार का नुकसान हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी समस्त यादव समाज के जो लोग हैं, जो इस पार्टी पर गर्व करते थे, अपनी पार्टी समझ करके इसके लिए जो काम करते थे, उन लोगों को भी बहुत अपमानित होना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनमानस, चाहे किसान हो, नौजवान हो, बेरोजगार हो, व्यापारी हो, हर वर्ग के लिए बहुत ही इतनी समस्या पैदा कर दी। नहीं, आपने पूजन किया है गंगा जी पे जी, क्या है ये जरा बताएं। ये पूजन ये है कि परिवार की एकजुटता होने से आज सारे कार्यकर्ताओं में बहुत खुशी है, और हम गंगा मैया से और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि इस परिवार में खुशी के माहौल के साथ 2022 के चुनाव में जाएं और पूर्ण बहुमत की सरकार बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने और चाचा भरपूर अखिलेश यादव का सहयोग करें। जिस तरह से पिछले दिनों में एक पोस्टर वायरल हुआ था, शिवपाल सिंह जी गुन्नौर चुनाव लड़ेंगे, तो अब क्या स्थिति है शिवपाल सिंह के बारे में, कहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, क्या है? जो हमारे कार्यकर्ताओं का विचार था कि गुन्नौर विधानसभा का विकास क्षेत्रीय नेताओं की गुटबंदी की वजह से नहीं हुआ, आम समाज के लोगों का काफी शोषण हुआ। यहाँ क्या गुटबंदी होती है कि अलग अलग पार्टी होने के नाते जो विधायक बनता है, दूसरी पार्टी का जो विधायक नहीं हारता है, उनके लोगों पे तरह तरह के, तो शिवपाल जी के गुन्नौर चुनाव लड़ेंगे ये बताएं। शिवपाल सिंह से हमने ये प्रार्थना की है कि आप गुन्नौर से लड़े, और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि वे कार्यकर्ताओं के सम्मान को और आपकी इच्छाओं को ठेस नहीं पहुंचने दूंगा, और गुन्नौर से चुनाव लड़ने के लिए वो पहले आए, यहाँ प्रोग्राम भी हुआ था और वीडियो जो वायरल नहीं हुआ है, सत्यता है। ये उनकी पारिवारिक सीट रही है। माननीय नेताजी यहाँ 2003 में चुनाव लड़े हैं, पूर्ण बहुमत से जीते थे, रिकॉर्ड मतों से गिने जॉब बुक में ये उनकी जीत का। अच्छा, पारिवारिक सीट तो यहाँ के नेताओं की, अब यहाँ पर राम खिलाड़ी सिंह पूर्व विधायक हैं, प्रदीप यादव पूर्व विधायक हैं समाजवादी पार्टी से, और भी